नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचकुला के प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पहले नवरात्रि के अवसर पर मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इस बार नवरात्रि के अवसर पर मां की पूजा अर्चना तो होगी, लेकिन वह कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इस बार श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों की पालना करते हुए मां मनसा देवी के दर्शन होंगे। सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना मास्क के मंदिर में मां के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं मूर्ति के छूने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को दूर से ही मां मनसा देवी के दर्शन करने होंगे। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। बता दें कि पंचकुला के प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर का इतिहास अपने आप में बेहद खास है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की मान्यता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरी करती है। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहां पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले मां सती मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी, जो काफी लंबी है। वे रोज इसी गुफा से मां सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे, तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं, जिन्हें मां का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां माता महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती है। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णो देवी, भैरव की मूर्तियां एवं शिवलिंग स्थापित है। माँ शेरावाली का बड़ी श्रद्धा भावना से माता के दर पे आए हैं। बच्चों की खुशियाँ, परिवार के लिए, सब परिवार के लिए खुशियाँ मांगने आए हैं। इस कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले और हर बंदा, हर व्यक्ति, हर वृद्ध, बच्चा सब स्वस्थ रहे। जय माता की। हाँ जी, पहला नवरात्रा था और आज बहुत अच्छे माता के दर्शन हुए और यही है कि सबकी मनोकामना पूरी हो और हमारे देश में जो बीमारी है वो माता रानी खत्म करे। जय माता। मैडम, आज पहला नवरात्रा है, क्या मांगा माँ? यही कि सब में सुख शांति रहे, बीमारी है जो महामारी जल्दी से चली जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक